नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके सामने, जो कि निकल के आ रही है वेस्ट सेंट्रल रेलवे RRC द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जो कि 10+ ITI पास होल्डर के लिए है। मेल फीमेल इसमें आवेदन कर सकते हैं, महिला पुरुष। 2521 पोस्ट हैं, 2521। स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, स्वयं आप भर सकते हैं घर बैठे। रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक, पेमेंट तक सारी प्रोसेस बताएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आपके अपने ऑल जॉब केंद्र चैनल को, जिसके माध्यम से मैं संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड, रिजल्ट फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये इसका एडवर्टीजमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट आपको मैं PDF का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां से पढ़ सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा, ये है इंडियन रेलवेज द्वारा अप्रेंटिस की एक्ट। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए थे 18/11 से, और ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट और टाइम है 17 दिसंबर 2022 के रात्रि 11:59 तक। ये अलग अलग स्टेट में सीट्स हैं, यूनिट में जबलपुर में, भोपाल में, कोटा में, WRS में, भोपाल में और जबलपुर में। अलग अलग अनरिजर्व SC ST OBC EWS की टोटल वैकेंसी 25,021 हैं। अदर PWD एक्स सर्विसमैन की भी हैंगी। तो एज लिमिट आप 15 साल से 25 साल तक की एज लिमिट बताई जा रही है। कम्प्लीटेड एज एज ऑन कम्प्लीटेड 17/11/2022 तक। बाकी अदर कैटेगरी पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस टाइप से ये आपका फुल नोटिफिकेशन हो गया और ये ट्रेड्स इसमें एलिजिबल हैं। ये PDF का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप PDF पढ़ सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और उसके बाद आप जिस भी ट्रेड में एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देखिए, ये फीस आपकी जनरल के लिए, मतलब जनरल OBC के लिए आपकी 100 रुपीज़ लग रही है। SC ST पर्सन विद बेंच मार्क डिजेबिलिटी के लिए 9 लग रही है। तो ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल पे आकर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें रजिस्ट्रेशन डिवीज़न ये है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप तो सिंपली ये एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, 10th की मार्कशीट और के अनुसार आपको फुल नेम देना है, फादर मदर नेम आपको के आगे मिस्टर मिसेस श्री श्रीमती नहीं लगाना, और डेट ऑफ बर्थ आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखनी है। फर्स्ट नेम आप यहाँ लिखिए, ये मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया, मिडिल नेम लिख दिया और सर नेम लिख दिया, फादर्स नेम लिख दिया मैंने, मदर्स नेम लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आप अपनी सिलेक्ट कर लीजिए आपकी जो भी हो। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ये एज मेरी कैलकुलेट हो गया कि जेंडर क्या है आपका, मेल है कि फीमेल है, नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, रिलीजन क्या है, हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन क्या है वो लिखिए, मैरिटल स्टेटस मैरिड है कि अनमैरिड है तो वो लिखिए, और जेंडर काय से भर रहे हैं, मैं ST से भर के दिखा रहा हूँ, SC से, और वेदर एक्स सर्विस मैन है कि नहीं है, नहीं है, और पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी है येस नो कर दीजिए, आइडेंटिटी टैप ऐप पे आधार कार्ड है कि नहीं है तो वो भरिए, और आधार कार्ड जरूरी है इसमें, स्टार मार्क लगाए उसका, आइडेंटिटी कार्ड का नंबर भी देना है आपको तो वो मैंने ये दे दिया, और आइडेंटिफिकेशन मार्क आप पे कोई है तो कट मार्क ऑन राइट हैंड लिख दीजिए, या नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिए, और मोबाइल नंबर आप इधर सैंपल के तौर पे मैं डाल रहा हूँ, आप एक्टिव और वैलिड डालिएगा। इसके बाद क्या करते हैं हम, ईमेल एड्रेस डालेंगे, इधर आप अपनी ईमेल एड्रेस डालिएगा और इधर सेलेक्ट यूनिट डिवीज़न कर दीजिए किस यूनिट के लिए आप करना चाहते हैं। मैं भोपाल के लिए करना चाहता हूँ। और ट्रेड आप कितने सारे ट्रेड आ रहे हैं, आप जिस भी ट्रेड से हैं, मैं फिटर ट्रेड से करना चाहता हूँ। और उसके बाद आप 10th का बोर्ड का नाम लिखिए, MP बोर्ड, और ईयर ऑफ पासिंग कब थी आपकी तो ईयर ऑफ पासिंग भी लिख दीजिए आप अपनी, और रोल नंबर लिख दीजिए, सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिए, और मार्क्स ऑब्टेंड कितने आए थे वो लिख दीजिए,
और टोटल कितने थे वो लिख दीजिए, उसके बाद आपके परसेंटेज एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएंगे। इस टाइप से आप आईटीआई की डिटेल भरिए, नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट का नाम और ईयर ऑफ पासिंग कब थी आपकी वो लिखिए, रोल नंबर क्या था वो लिखिए, उसके बाद आप सर्टिफिकेट का नंबर लिखें, ऑब्टेंड मार्क्स कितने आए थे वो लिखें, टोटल मार्क्स कितने आए थे वो लिखें। ये मैं डमी रूप से डाल रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल हो वो डालिएगा। सिलेक्ट काउंसिल आपकी एनसीबीटी से थी, एससीबीटी से थी वो लिखिए यहाँ, और रिजल्ट क्या था, पास थे कि फेल थे वो लिखिए, और फेडरल ट्रेड से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा। देखिए फ्रेंड, ये मैंने नेक्स्ट कर दिया, अब मैं सेकंड स्टेप पे आ गया, डिटेल्स एड्रेस डिटेल पे, जिसमें आपको परमानेंट एड्रेस की डिटेल और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की डिटेल भरनी है। तो अपना विलेज आप भरिए, एमपी नगर जो अभी आपका है, और पोस्ट ऑफिस लिखिए, तहसील क्या है आपकी वो लिखिए, पुलिस स्टेशन लिखिए, स्टेट लिखिए आपकी क्या है, और डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी वो लिखिए, पिन कोड क्या है आपका वो लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो सेम पे येस पे क्लिक कर दीजिए, सेम कॉपी हो जाएगा, नहीं है तो नो कर दीजिए और लिख लीजिए इधर, और पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए इधर। अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे आप, मतलब अल्फ़ाबेट और नुमेरिक दोनों में, तो अल्फ़ाबेट और नुमेरिक दोनों में मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद इधर कंफर्म करेंगे, उसके बाद आई हेयर बाय डिक्लेयर पे, एग्री डिक्लेरेशन पे ऑफ द कैंडिडेट पे क्लिक मार कर देंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ गया, प्रिंट कंफर्मेशन आ गया, आप इसको चेक कर लीजिए। और मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाता हूँ, ये मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आया। इसके बाद आई हेयर बाय डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे और ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड आप फिल कर देंगे। ये भरने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आ गई, प्लीज नोट डाउन योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ये आपको फोटो अपनी अपलोड करनी है, चूज फाइल पे क्लिक करके। उसके बाद आपकी यहाँ फोटो सिग्नेचर, अपलोड सिग्नेचर करनी है, अपलोड एसएससी की मार्कशीट करनी है, पीडीएफ में 500 KB से कम होनी चाहिए, और ये ब्लैक और ब्लू पेन पे शाइन होने चाहिए, वाइट पेपर पे 200 KB से कम, JPG PNG में अपलोड सिग्नेचर करने हैं ये आपको डॉक्यूमेंट्स, और RTI ट्रेड का मार्कशीट आपको अपलोड करनी है यहाँ PDF में, और SC से भरा है तो SC का कास्ट सर्टिफिकेट भरना है। तो ये सब मैं भर के आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ प्रोसीड करके। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका मैंने सबमिट कर दिया, लास्ट स्टेप एक्नॉलेजमेंट आ गई, द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू इज प्रॉपरली रजिस्टर्ड, पोस्ट अप्लाइड फॉर एक्ट अप्रेंटिस, प्लीज नोट डाउन योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका आ गया। अब ये आपका प्रिंट एक्नॉलेजमेंट है, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं अपना एक्नॉलेजमेंट, और आपका प्रिंट एप्लीकेशन हो जाएगा। इसमें पेमेंट आपका SC से भरा है तो नहीं लगा है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था नील है SC से, तो ये आपका पेमेंट एप्लीकेशन सबमिटेड बाय यू प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो गया, आपका प्रिंट प्रीव्यू आ गया। आप यहाँ से प्रिंट करके अपना एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस कम्प्लीट हो गया, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की और भी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे निरंतर। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक चैनल पेज का लिंक भी है, उसको भी जाके आप फॉलो लाइक फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मैं डेली वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करता हूँ और एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। और कोई अगर कोई क्वेरी है आपसे तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं हमसे, तो हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया रेलवे RRC वेस्ट सेंट्रल रेलवे 2022 के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे में ट्रेड अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जो कि निकली हैं 2521 पोस्ट ट्रेड अप्रेंटिस की, 10th प्लस ITI पास होना जरूरी है, महिला पुरुष, स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे फॉर्म, स्वयं भर सकते हैं आप घर बैठे फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।